ट्रॉमा सीरियल मैं में आप देखेंगे कि मुबशरा को जो चोट लगी है वो उसकी इतनी जल्दी भरने वाली नहीं है, क्योंकि जितना उसका घुमंड बढ़ चुका था ये उसकी सज़ा हुई है। और वो सोच सकती थी, सोच ही नहीं सकती थी कि वो उसको छोड़ कर चला जाएगा और ऐसे छोड़ देगा और दुनिया के सामने उसको रुसवा करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो अब ठान लेगी और कहेगी कि मैं उस इंसान से बदला लेकर ही रहूँगी, मैं उसको ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन जाहिर से जैसे ही उसको पता चलेगा कि उससे बदला लेने की बातें कर रही है तो जाहिद उसको कहेगा कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो, क्यों आखिर तुम ये बात नहीं छोड़ रही हो, जो होना था वो हो चुका है, अब तुम्हें इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। क्योंकि जाहिद तो नहीं जानता है कि आखिर वो कितनी खूबसर और कितनी ज़िद्दी लड़की है, वो भी जब जब उसके साथ रहेगा, जब उसके ऊपर पड़ेगी सर पर, फिर उसको समझ आएगी कि आखिर ये है क्या चीज़। बहरहाल अब देखेंगे कि उसके बाप का दिमाग डायरेक्ट जा रहा है कि वो अब इस जाहिद को पकड़े ताकि उसको बल्ली का बकरा बनाया जाए और उसका बुरा हाल किया जाए। पहले उसका बाप जो है वो काफ़ी परेशान है और वो कहता है जाहिद से कि अपने बच्चों को यानी इस तरह की तरबियत नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो। आगे से जाहिद कहता है कि नहीं आप फिक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप अपने दिल पर क्यों इतना बड़ा बोझ लेके बैठे हुए हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से बेटा बहुत तसल्ली हो जाती है, तुम ही हो जो मेरी हर बात को समझ जाते हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुबशरा मेरी किसी बात को समझने को तैयार ही नहीं, और उसने जो कुछ किया है हमेशा अपनी ही मनमानी से किया है, अपनी ही ज़िद से किया है, ना जाने क्यों वो मेरी बातों को समझने को तैयार नहीं होती। जाहिद कहता है कि अभी अभी उसकी चोट जो उसको लगी है वो बहुत ही गहरी है, इसलिए उसको थोड़ा हील अप होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आपको मुबशरा को भी अभी टाइम देना चाहिए, उसके बारे में इस तरह की आप क्यों दिल में लेके बैठ रहे हैं। आगे से आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि तुम नहीं जानते कि वो क्या क्या कर सकती है और वैसा करने से भी ग्रेज नहीं करेगी।